थाना सेक्टर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। एडिशनल डीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने सेक्टर 29 के पास चेकिंग करते समय मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिन्हें पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके कब्जे से लूट के 3 मोबाइल फोन, 5 अवैध हथियार कारतूस व चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लुटेरे बदमाश रजनीगंधा चौक से राहगीरों से मोबाइल स्नैच की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। नोएडा से संवाददाता पवन सिंह परमार की खास रिपोर्ट। आज रात 11 बजे चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर 20 में 2 चाइनीज स्नैचर से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं, एक का नाम अरुण और दूसरे का नाम आरुष है। इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध 25 अभियोग दिल्ली में और समीपवर्ती जनपदों में दर्ज हैं और दिनांक 1 सितंबर को इनके द्वारा रजनीगंधा चौराहे के पास एक मोबाइल स्नैचिंग की गई थी। आज गिरफ्तारी के बाद इनके पास से 3 लूटे हुए मोबाइल, 2 तमंचे, 5 कारतूस और 1 चोरी की मोटरसाइकिल जो दिल्ली से चोरी हुई थी बरामद की गई है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।